बेटी को वनी करने वाले खानदान से हम मिले। आइए अब मोहम्मद नवाज सालार के डेरे पर चलते हैं, जो वहां भचरा में इंसानी हुकूक और खास तौर पर वनी के खिलाफ अरसा दराज से बरसरे पैकार हैं। मर्द जब कोई बुराई करता है या कोई गलती करता है तो उसको यहाँ कहा जाता है ये बहुत बड़ा जना है, बहुत बड़ा बहादुर है। यानी यहाँ बदमाश को फ़ख्र के तौर पर कहा जाता है कि फलां बड़ा बदमाश है, यानी इसको सिफत गाना जाना जाता है। जबकि औरत अगर छोटी सी गलती करे, गलती ना भी करे, तो उसके लिए एक मुसीबत है। ये इज़्ज़त की खातिर कहें, इतना अकदाम उठाए थे, वो जेलों की सलाखों के सामने अपने भाइयों को मिलने जाती हैं और लोग वही गैर मर्द दूसरे मर्द उनके आसपास देखे जाते हैं और वहाँ वो अंदर जेल में कर भी कुछ नहीं सकता। कि औरत से हम राय नहीं लेते, उसकी राय का एहतराम नहीं करते। जब हम उसकी राय का एहतराम नहीं करते, उसकी ख्वाहिशात उसकी अपने अंदर दबी रहेंगी और उन दबी ख्वाहिशों को जब कभी गलती से या जज्बाती तौर पर उसे पूरा करने का मौका मिलता है तो वो सारी हदूद बाज़ औक़ात पार कर जाती। वनी जैसी बुरी लानत पर मोहम्मद नवाज सालार हरगिज़ अपने बुजुर्गों से मुत्तफिक नहीं हैं और वो इस सारे मामले की जिम्मेदारी मुआशरती जहालत के सर डालते हैं। सारी बर्बादी में बुनियादी बात सिर्फ जहालत है और हमारा वो कबायली मुआशरा है जिसके हम अभी तक शिकार हैं। मेरे अपने ख़ानदान में दर्जनों ऐसी बहनें, माएँ, बेटियां हैं जो वनी कर दी गई थी उस दौर में। मगर एक सतह एक हाल से तो कहा जाता था कि ये दो कबीलों के अंदर सुलह का एक रुझान है। ये तो सिर्फ कुर्बानगाह है, कोई मसला नहीं है इसमें। सुलह का वजूद यही है कि आइंदा वो लड़ेंगे नहीं, वो आइंदा उन एक दूसरे का जानी और माली नुकसान नहीं करेंगे। और इसमें सुलह का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि वो प्यार मोहब्बत से फिर जीने लग जाएं